ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा ना। नहीं सर, नहीं पढ़ा। सबसे पहले तो हमारे पास, हम तो पहली चीज इसमें तीन चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज, एंगल्स एंड ग्राफ। स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटीज से। देखो हमारे पास आइडेंटिटीज जो हैं वो ए एस में सिर्फ दो आइडेंटिटीज हैं, क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन होता है। बेसिक तो पता है ना, साइन कॉस टैन क्या होता है। जी पता है। हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट? लिख सकता हूँ ना। जी और वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो वन माइनस साइन स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स। देखो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ हमेशा वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे क्या चीज़ लिखनी चाहिए अपनी इक्वेशन शो करने के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर लेट्स से, मतलब पहले पूरी बात कर लेंगे, इसी तरह मुझे अगर साइन स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब लेट्स से मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको शो करो कि ये इक्वल है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन के। मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास जो चीज शो करनी है उसमें क्या है, क्या साइन और कॉस दोनों है या सिर्फ साइन है या सिर्फ कॉस है, क्या है इसमें? सिर्फ कॉस है। सिर्फ कॉस है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें साइन और कॉस दोनों हैं, तो जी मुझे किसी तरह ये साइन स्क्वायर एक्स हटाना है। तो साइन स्क्वायर एक्स हटा के कॉस लाने का क्या तरीका है हमारे पास? ये है, जी मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जी ये जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, शो हो गया। जी इसी तरह अगर वो मुझे बोलता है कि भाई ये शो करके दो कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स के, अब मुझे साइन स्क्वायर एक्स लेके आना है तो यहाँ से मुझे कॉस स्क्वायर हटाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर की जगह पे आई कैन राइट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना, जी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ठीक है।
ये शो करना है मुझे कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स इक्वल होता है वन प्लस कॉस एक्स। अब देखो मुझे यहाँ पे मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, मैं क्या वन माइनस कॉस एक्स में से किसी को चेंज कर सकता हूँ? साइन स्क्वायर को हटा सकते हैं। साइन स्क्वायर को हटा सकता हूँ, साइन स्क्वायर को हटा के मैं ला सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो मुझे शो करना है क्या उसमें कोई डिनोमिनेटर है? तो नहीं। यहाँ से मुझे ये डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को किसी और तरीके से लिख सकता हूँ? वन वन माइनस कॉस एक्स। और और 1 मिनट। वन प्लस कॉस एक्स। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। सही, ठीक है। ये वन माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, आ गया वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? मैं करती हूँ 1 मिनट। कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो है उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगाएंगे। ठीक है, फिर फिर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आएगा नेक्स्ट स्टेप तो बताओ। 1 मिनट। कैंसिल हो जाएगा ना। क्या कैंसिल हो जाएगा? वन माइनस साइन से कैंसिल कर दूं ऐसी? एक मिनट। 1 माइनस। ऊपर जैसा ही सवाल है वन बिल्कुल। माइनस से 1 माइनस साइन एक्स और फिर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस साइन एक्स, हाँ ये होगा। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक और चीज होती है, टैन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, यानी जहाँ क्वेश्चन में अगर टेन एक्स लिखा हुआ आ जाए और मुझे साइन और कॉस लेके आना है तो मैं उसको फौरन से चेंज कर लूंगा साइन और कॉस में। अच्छा, जिस तरह टेन एक्स इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एक्स होता है, इस तरह हमारे पास अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी बन सकता है। लेकिन जो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन,
ये सिर्फ एक ही है, इसको मैं ये नहीं लिख सकता साइन प्लस कॉस इक्वल टू वन, नो, ये वाली चीज इसके इक्वल कभी ही नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी ये है, दिस इज नॉट एनी आइडेंटिटी, राइट? ठीक है, ठीक है क्लियर है? ये दो आइडेंटिटी यूज करनी जी, है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। देखो क्वेश्चन नंबर वन, अच्छा वन टेन एक्स अगर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा तो वन अपॉन टेन एक्स क्या होगा? वन अपॉन टेन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और कॉस जो टेन एक्स जी, हाँ, सही है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और जो जी फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ फिर हो जाएगा डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कॉस एक्स, फिर तो जो ऊपर है वो वन बन जाएगा हाँ हो गया, सो गुड और नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स रह जाएगा। है। नेक्स्ट करो। टू हाँ टू, हो गया हो गया। हाँ साइन जी, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स लगा देंगे, और साइन एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक करो।
कॉस अपॉन साइन एक्स क्या वो लिखेंगे वन इसकी जगह पे हाँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो 1/10x हो जाता है ना। पहले वन तो एलसीएम लेंगे ना इसमें 3 में तो। अच्छा 1 मिनट अच्छा न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 cos x sin x और नीचे होगा 1 - sin x ब्रैकेट ओपन 1 + sin x। 1 - sin x 1 + sin x किसके इक्वल होता है? -g a + g ना। a - g a + g क्या होगा? cos² x तो होगा लेकिन 1 - sin x 1 + sin x ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a - b a + b को क्या लिखते हैं? a - b a + b a किसके स्क्वायर लिए? माइनस b² तो ये बी जाएगा 1 - स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स। और 1 - sin स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos² cos² x। अब करो आगे। साइन एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस एक्स तो हो जाएगा 10x। 2 tan x हो गया। क्वेश्चन जी हो गया। नंबर 4 करो, ये बहुत अच्छा है। ट्राई करो इसको, 5 मिनट फिर मैं कराता हूँ, अगर नहीं होता तो। ठीक है
सर इसकी पावर स्क्वायर नहीं हो सकती जो साइन और कॉस की पावर 4 है। स्क्वायर बना दो, एक्स पावर 4 को स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं? एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2। लिख दो ऐसे इसको। साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बना देंगे। नहीं देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। देखो हमें 1 लेके आना है, यानी ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल आउट करना है, राइट? नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर मेरे पास है साइन स्क्वायर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी तो क्या लिख देंगे? ए माइनस बी। तो क्या होगा? ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस बोलो बोलो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस क्यों? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना, तो ए माइनस बी लिख दिया, अब ए प्लस बी लिखोगी ना? प्लस साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऊपर बना जाएगा कहाँ पे? साइन स्क्वायर एक्स पे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 होता है? नहीं नहीं सॉरी एक मिनट, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और इसकी जगह क्या करना है? इसकी जगह पे हाँ आसान है, हो गया है सॉल्व। भाई नीचे हाँ, कैंसिल हो जाएगा। हाँ ना कैंसिल हो जाएगा, ये रहा खत्म, 1 बच गया। सही है, सही है। 5 करो।
इसमें सर पहले हम करेंगे साइन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. हाँ सही है, ठीक है. फिर ये कट हो जाएंगे कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट हो जाएंगे. हाँ सही है. फिर हो जाए एक मिनट. हो गया सॉल्व हो चुका है पूरा. फिर हो गया. फिर ये साइन स्क्वायर एक्स जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में बना जाएगा. हाँ बस हो गया. शुभ क्वेश्चन सेवन करो. उसी तरह का है फोर जैसा ही. सर ये वन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी ए प्लस बी वाली. फिर ब्रैकेट ओपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो वन हो जाएगा. वन हो जाएगा तो फिर ये तो यही बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो वन माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स बनाओ. सबसे पहले एग्जांपल एक मिनट देखना नहीं बीजे. अच्छा एक मिनट वन तो ये टू कैसा आएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. हाँ हो गया. ठीक है हो गया वन माइनस टू कॉस करें नाइन करो.
हो गया हो गया जी हो गया। 10 और 11 भी कर लो। ये 1 plus sin square x upon 1 minus sin square x, उसके बाद क्या करेंगे? upon 1 minus sin square x जी जी 1 upon 1 minus sin square x आ रहा है। 1 plus sin square x upon 1 minus sin square x, एक मिनट, sin x upon cos x प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो गया, ये हो गया वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स। एक मिनट, सॉरी ये कॉस एक्स है ना, वह डिवाइड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से आ रहा है, क्या किया है ये? तो अपनी वर्किंग मैंने ये किया था कि वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ ना, अच्छा 10 की बात कर रहे हैं, सॉरी 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 मैं 9 कर रही हूँ। वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, शो हो गया। ये क्या मसला था इसमें, समझ आया? इसमें मेरा तो कुछ और, एक मिनट कॉस, देखो दोबारा देखो,
फिर दोबारा सॉल्व करेंगे ये. देखो, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, देखो जब दो फ्रैक्शन आ जाए तो इस तरह लिख लिया करो. ऐसे ही किया था मैंने, वन तो फिर मेरा कुछ और आया था. ठीक है, यही किया. अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स. यही किया है. नेक्स्ट स्टेप भी नहीं, नेक्स्ट स्टेप ये नहीं किया था. वन ठीक है, हाँ मैंने यही गलती की थी. सही है, समझ आ गया. मैंने एलसीएम नहीं लिया था नेक्स्ट स्टेप में. हो गया. हो गया शो जी. एक और चीज समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मिले तो. देखो लेट्स से मेरे पास, मुझे बताओ कैलकुलेटर हाथ में रखना. साइन 30, cos 30, tan 30. इनकी वैल्यूज बताओ जल्दी से. इनकी वैल्यूज है साइन 30 की हाफ
cos 30 के अंडर रूट 3 अपॉन 2 tan 30 अंडर रूट 3 अपॉन 3 sin 150 हाफ की माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और tan की माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3 साइन 240 के माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 कॉस की माइनस हाफ और टेन की अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 साइन 300 की साइन 300 की साइन 300 की है अंडर माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 और कॉस साइन की माइनस अंडर रूट 3 थी जी कॉस 300 हाफ कॉस 300 हाफ और टेन 300 है माइनस अंडर रूट 3 ठीक है. अच्छा देखो यहाँ पे साइन 30 कॉस 30 टेन 30 तीनों पॉजिटिव हैं तो यानी 0 से 90 के बीच में हम साइन कॉस टेन तीनों एंगल पॉजिटिव आते हैं. साइन 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल अगर लें और उस पर साइन कॉस टेन कोई भी रेशियो अप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा. ठीक है ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाएगी. यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी कॉस और टेन दोनों नेगेटिव हैं यानी 90 से 180 के बीच में. सर रिपीट करें. बोला हूँ जीरो से आवाज चली गई थी. 0 से 90 के बीच में अगर हम कोई भी एंगल लेते हैं तो साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं जी. 90 से 180 के बीच में अगर एंगल लेते हैं तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी कॉस और टेन नेगेटिव है. ठीक है जी. 180 से 270 के बीच में कोई एंगल अगर ले रहे हैं तो क्या पॉजिटिव है टेन पॉजिटिव है बाकी साइन और कॉस नेगेटिव है. और 270 से 360 के बीच के एंगल्स में कॉस पॉजिटिव है और साइन और टेन नेगेटिव है राइट. यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं. पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्रीज के बीच में उसमें ऑल पॉजिटिव है साइन कॉस टेन सारे रेशोस पॉजिटिव हैं. 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव हैं बाकी दोनों. 180 से 270 के बीच में क्या पॉजिटिव है टेन पॉजिटिव है टेन बाकी दोनों नेगेटिव हैं. और 270 से 360 के बीच में कॉस पॉजिटिव है बाकी दोनों नेगेटिव हैं. तो हमारे पास ये होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट. पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव. पहले क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है थीटा. पहले क्वाड्रेंट का एंगल वही होता है थीटा जो भी हमारा आंसर आ रहा है. सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर निकालने के लिए हम करते हैं 180 माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए हम करते हैं 180 प्लस थीटा. और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए हम करते हैं 360 माइनस थीटा. इसको अप्लाई कैसे करेंगे अब वो सुनो. अगर मेरे पास लेट्स से साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ है
सबसे पहले हम निकालते हैं बेसिक एंगल। बेसिक एंगल निकालने के लिए हम साइन को इग्नोर करेंगे, या हम ये बोल सकते हैं कि बेसिक एंगल निकालने के लिए हम ऑलवेज पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। यानी यहाँ पे 1/2 है तो हम 1/2 ही लेंगे, -1/2 होता तो भी हम बेसिक एंगल के लिए +1/2 ही लेते। बेसिक एंगल हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक एंगल क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, राइट। क्या आएगा बेसिक एंगल, हेलो 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 हाँ, मैं पता नहीं क्या मसला हो रहा है। देखो, हम सबसे पहले निकालते हैं बेसिक एंगल। बेसिक एंगल निकालने के लिए हम हमेशा पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। यानी अगर यहाँ पे अभी तो पॉजिटिव हाफ ही है, अगर यहाँ में -1/2 भी होता तो भी हम बेसिक एंगल निकालने के लिए +1/2 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बेसिक एंगल रिप्रेजेंट होता है अल्फा से, हम सबसे पहले निकालते हैं बेसिक एंगल ना, तो बेसिक एंगल के लिए हम ऑलवेज पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। और बेसिक एंगल रिप्रेजेंट होता है अल्फा से, तो बेसिक एंगल निकलेगा साइन इनवर्स 1/2 से। बताओ क्या आंसर आएगा, हेलो हेलो हेलो